आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा, आईटीआई ओरिजिनल मार्कशीट 2022 जारी किया गया है। तो गाइस जिन छात्रों को नहीं मिले थे वो भी यहाँ पर डाउनलोड करना शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि सभी छात्रों को यहाँ पर डाउनलोड होना उनके प्रोफाइल में दिखाई दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाते हो तो आप सही में अपना सर्टिफिकेट और अपना मार्कशीट, उसके साथ साथ दो और प्रकार के मार्कशीट रहते हैं वो भी आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है ये पता चल पाएगा। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक जो नई टेक्निक आई हुई है उस तरीके से हम देखेंगे किस तरह से डाउनलोड करते हैं और आपको क्या क्या और कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चीज़ें देखना पड़ेगा, तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो गाइस देखिएगा, हम हमारे जो छात्र हैं इनके हॉल टिकट हम यहाँ से उठा रहे हैं। अब देखिएगा जो भी उनके पास हॉल टिकट थे, जो कि अब देखिए ये है 2022 में इस छात्र ने एग्ज़ाम दी हुई है, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ से हॉल टिकट उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो हम सीधे जाएँगे यहाँ पर क्रोम में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको जाना है एनसीवीटी एमआईएस के ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर चीज़ें आपके सामने ओपन होना शुरुआत हो जाएगी, जो कि एक एनसीवीटी की पैरी वेबसाइट है, जो कि यहाँ पर आपकी कुंडली मिलती है सभी के सभी छात्रों की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, जिन छात्रों की रैंक आ चुकी है उनके भी यहाँ पर सारी के सारे डेटा और सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो लगभग आप यहाँ पर देखिएगा जो मेल टॉपर है इसका रैंक 1 आ चुका है, पूरे भारत में इसका नाम हो चुका है और लड़कियों में भी एक रैंक 1 आ चुके फीमेल टॉपर्स, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन आईटीआई एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ाकर दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए उसके साथ साथ यहाँ पर अलर्ट भी भेजे गए होंगे आपको, जो कि यहाँ पर देखिएगा अपलोड सेशंस और एपीआई डाटा देख लीजिएगा। 17 तारीख को कन्वोकेशन सेरेमनी हो चुकी थी, उसके बाद आपके रिजल्ट यहाँ पर जारी होना और बहुत सारे छात्रों को किस तरीके से अपने प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है, सिंपली यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी चीज़ें दे रखी है 2 से पहले 0 हटाना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपके यहाँ पर हॉल टिकट में चीज़ें होंगी वो यहाँ से आपको डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर डाल देना है आपको चीज़ें, तो यहाँ पर आपको ये नाम पिताजी का सही से डाल देना है और आपको डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ से लेनी है। तो गाइस कोई भी कितने भी साल में यार आईटीआई कर सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जुनून होना चाहिए पढ़ने का 75963। ठीक है, ये 2 बार यार डालने के लिए पूछता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है एक ही बार में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा 84278। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर नहीं हो रहा, और एक बार बोलेगा ये 74462। अब देखिएगा हो चुका है ओपन आपके सामने। तो गाइज आपको नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको 4 सर्टिफिकेट्स कौन कौन से मिलने वाले ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट मिलेगा, उसके बाद सेकंड ईयर का मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट और उसके बाद आपका प्रिंट कंसल्टेंट मार्कशीट। तो हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का तो आपका डाउनलोड होने ही वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं उन छात्रों का। अब देखिए यहाँ पर ओपन भी हो चुका है और यहाँ पर डेट भी देखिएगा, 19 फरवरी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका था उस टाइम, तो यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है। अब देख रहे हैं हम सेकंड ईयर का, तो देखिएगा ये भी यहाँ पर आज से ओपन शुरुआत होना चालू हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आज से आपके भी यहाँ पर लॉगिन में सभी के सभी सर्टिफिकेट आएंगे, लेकिन गाइज ये चीज़ आपको वैलिडेशन करनी होगी। आपको सिंपली एक एडोब रीडर कंप्यूटर में जाना है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर में बैठ जाइएगा, वहाँ पर एडोब रीडर में ओपन कीजिएगा और इसकी इस चीज़ के ऊपर क्लिक करिएगा, वहाँ से अपने आप ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ से डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा, देखिएगा साफ तौर पर हो रहा है। अब देखिएगा सभी छात्रों का यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ ये निकल कर आ रही है कि आपका भी वेरीफिकेशन यहाँ पर होना तय है। उसके बाद देखिएगा प्रिंट कंसल्टेंट मार्कशीट, यही मार्कशीट सबसे बढ़िया होता है, यहाँ पर आपके 2 साल के मार्क्स ऐड करके रखे हुए होते हैं और यही चीज़ सबसे बढ़िया होती है, और जिस तारीख को आप डाउनलोड करेंगे उस तारीख का डेट इसके ऊपर दिखाई देता है, तो
तो इसी कारणवश ये यहाँ पर ज़्यादा लीगलाइज होता है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल गया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े दोस्तों का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय गाइस। जय हिंद जय भारत। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।